नमस्कार दोस्तों, क्या चंद्रयान 3 मिशन खत्म हो गया? रिसेंटली इसरो के एक्स चेयरमैन एएस किरण का कहना है, नो होप ऑफ वेकिंग अप विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर, यानी अब कोई उम्मीद नहीं है विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के जागने की। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। 23 अगस्त 2023 को हमारे देश भारत ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था और पहला देश बन गया था ऐसा करने वाला। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में है, वहां से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। 40 दिनों के सफर के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की। लेकिन चंद्रयान 3 को लॉन्च क्यों किया गया था, चलिए ये समझने का कोशिश करते हैं। चंद्रयान 3 का 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स था, पहला मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, दूसरा प्रज्ञान रोवर जो विक्रम लैंडर के अंदर था वो विक्रम लैंडर से बाहर निकले और मून पर घूमे, तीसरा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाना। जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग किया तो पूरी वर्ल्ड मीडिया ने इंडिया को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई और चंद्रयान 3 साउथ पोल के जिस पॉइंट पर लैंड हुई उसे शिव शक्ति नाम दिया गया। चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद इसरो के पास केवल एक लूनर डे का टाइम था कि वो सारे एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी कर पाए। दोस्तों, चांद पर एक लूनर डे और एक लूनर नाइट होती है। एक लूनर डे में 14 दिन होता है कंपेयर टू अर्थ। कहने का मतलब है कि अगर पृथ्वी में 14 दिन होगा तो मून में एक लूनर डे या एक लूनर नाइट होगा। अगर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो मून पर 14 डेज का दिन और 14 डेज का नाइट होता है। लेकिन इसरो ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास एक लूनर डे का ही टाइम है, क्योंकि एक लूनर डे यानी 14 दिन के बाद मून पर लूनर नाइट शुरू हो जाएगी और चांद पर रात में टेम्परेचर -200 डिग्री तक चला जाता है, जिसमें मशीन काम करना बंद कर देती है। चलिए जान लेते हैं इस 14 दिनों में चंद्रयान 3 ने क्या क्या डिस्कवरी की। 26 अगस्त को विक्रम लैंडर पर लगा ये इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जिसको इल्सा डिवाइस बोलते हैं, उसने पता लगाया कि चांद पर भी मून क्विक्स आते हैं। जैसे अर्थ पे अर्थ क्विक्स आते हैं, वैसे मून पे मून क्विक्स आते हैं। 27 अगस्त को विक्रम लैंडर पर लगा चेस्ट, जिसको चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसने पता लगाया कि मून के सरफेस पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है, मगर केवल 10 सेंटीमीटर मून के सरफेस से नीचे जाने पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 28 अगस्त को प्रज्ञान रोवर पर लगे लिम्स यानी लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एपेक्स यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा मून के सॉइल की जांच की गई और पता चला कि मून के सॉइल में एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये सब इन 14 दिनों में इसरो के द्वारा मून पर खोज की गई थी। 14 दिनों के बाद वो समय आ गया जब प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के अंदर जाए और दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया जाए। 4 सितंबर को दोनों को फुल चार्ज करके स्लीप मोड में डाल दिया गया। इसरो को ये आशा था कि जब 22 सितंबर को नेक्स्ट लूनर डे शुरू होगा तब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अब तक 16 दिन बीत चुके हैं और दोनों में से कोई भी अभी एक्टिवेट नहीं हो पाया है। इसरो लगातार कॉन्टेक्ट कर रही है, कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रही है। इसरो को 5 अक्टूबर तक ही होप था, क्योंकि 5 अक्टूबर से फिर से मून पर नेक्स्ट लूनर नाइट शुरू हो गई और बची कुची होप भी खत्म हो गई। पर इसके बावजूद भी चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त से 4 सितंबर तक सारे एक्सपेरिमेंट एकम्प्लिश कर लिए थे। अब इसरो का अगला मिशन गगनयान है, जो ह्यूमन को स्पेस में पहुंचाएगी। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।